मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग कोयारी भजन नहो साजन पहिंजे सैर करण लए। साजन पहिंजे सैर करण लए। आहे रंग रचायो बाग बनायो। आहे रंग रचायो बाग बनायो। खालक खेती ख्वाश खलक जी। खेती ख्वाश खलक जी। खल के खेल खिलायो पाण छुपायो। खल के खेल खिलायो पाण छुपायो। साजन पंहिंजे सैर करण लाइ। साजन पंहिंजे सैर। बाजी घर जीअं बाजी लाए। बाजी घर जीअं बाजी लाए। पुतलिन नाच नचायो रूह रिझायो। ओ पुतलिन नाच नचायो रूह रिझायो। साजन पंहिंजे सैर करण लाइ। साजन पंहिंजे सैर। पाण ई स्वामी सेवक थियणो। पाण ई पाण लखायो भरम भुलायो। ओ पाण ई पाण लखायो भरम भुलायो। साजन पंहिंजे सैर करण लाइ। साजन पंहिंजे सैर। कहिटे उंगुर कृपा सामू। सब घट दर्शन पायो दर्द मिटायो। सब घट दर्शन पायो दर्द मिटायो। साजन पंहिंजे सैर करण लाइ। साजन पंहिंजे सैर। राग कोयारी भजन ॾहो साजन पंहिंजे सैर करण लाइ। आहे रंग रचायो बाग बणायो। ठीकु आहे। कोयारी राग केस भजन में परम श्रद्धे आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं कि ये प्रभु परमात्मा की विचित्र लीला है। परमात्मा ने अपने सैर करने के लिए सारे संसार की रचना की है। यह सुंदर संसार का बगीचा बनाया है क्योंकि उनकी इच्छा हुई एको हम बहु श्याम। एकाकी न रमते अकेले मन प्रसन्न नहीं रहा इसलिए सृष्टि की रचना की। उन्होंने संकल्प किया और सृष्टि की रचना हो गई। कितना उन्होंने चमत्कार किया है। खालक खेती ख्वाश खलक जी। खलके खेल खिलायो पाण छुपायो। एक से अनंत बनने की कामना उनके मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने ये संसार का खेल बना के अपने आप को उसके अंदर छुपा लिया। बाजी गरजिए बाजी लाए। पुतलिन नाच नचायो रूह रिझायो।
जिस प्रकार से जादूगर बाजीगर तमाशा दिखाता है, पुतलियों का नाच नचाता है, उसी प्रकार से प्रभु परमात्मा ने भी ये खेल रचाया है। पुतलियों को नचाकर, संसार के जीवों को नचाकर अपने मन को प्रसन्न कर रहे हैं। दूसरा कोई है नहीं, पाण ही स्वामी सेवक थियड़ो, पाण ही पाण लखायो भरम भलायो। छोटा और बड़ा, स्वामी और सेवक वो स्वयं ही है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, जड़ चेतन में वो व्यापक है, और अगर उसको जानना है तो भी उसकी कृपा चाहिए। पाण ही पाण लखायो, सो जान जह देह जनाई। जिसको वो अपना स्वरूप दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर कृपा करते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, तभी उनका दर्शन होता है और सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। भरम बुलायो, कहे टेऊं गुर कृपा सामू, सब घट दर्शन पायो दर्द मिटायो। गुरुदेव ने कृपा करके सब में उस प्रभु परमात्मा का मुझे दर्शन करा दिया। मेरे जितने भी दुख दर्द थे उस दर्शन को करने से वो सभी दुख दर्द निवृत्त हो गए। गुरुदेव की अनंत कृपा से उस प्रभु परमात्मा का दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। इस भजन में गुरु महाराज जी ने ईश्वर की अनोखी विचित्र लीला का वर्णन किया, गुरु कृपा और गुरु महिमा का वर्णन किया है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार,
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।